जय हिंद बच्चों। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना नीट के पेपर में है। प्यारे बच्चों, जब आपका एग्जामिनेशन बहुत पास में है, आप सभी बच्चों के फोन आ रहे हैं, सर बहुत एंग्जाइटी हो रही है, बहुत डिप्रेशन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। ये तो कॉमन बात है भाई, सबको होता है, केवल आपको नहीं होता है। एक चीज बताएं आपको, आपका शरीर जिस फेज में हो, आपका दिमाग जिस फेज में हो, उसका उल्टा काम कर दीजिए। जितनी एंग्जाइटी हो उतना कूल काम होने की कोशिश करो। आप जानते हैं ना कि आपको पेपर देना है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करके, सिंपैथेटिक को नहीं, एंग्जाइटी को नहीं। क्या यार, एक जंग है ना, पूरी जिंदगी जंग है बाबू, और ये जंग बहुत छोटी है, जिंदगी ही जंग है बेटा। और एक बात और समझ लो, जंग में डर कर जाने वाले कभी जंग नहीं जीतते, जंग वो जीते हैं जो बेखौफ होकर जाएंगे। जंग में आदमी या तो जीतता है या तो सीखता है। अब एक छोटी सी बात बता रहे हैं, बात बहुत छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी, सुनो प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। 16 जुलाई तक आपको करना ये काम, हम जो बता रहे हैं, आपको हंसी भी आएगी। मैं बड़ी चीज नहीं बताता हूं, छोटी छोटी चीज बताता हूं, अनुभव के आधार पर बताता हूं। कई हजार बच्चे डॉक्टर बन गए यार, ठीक है, नीट का इम्तिहान कोई पहाड़ नहीं। एक बात है बच्चों, आपके दो टेस्ट बचे हैं, 12 जुलाई 14 जुलाई ऑफलाइन, और आपने देखा टीम यूनाइट ने कितनी शिद्दत से आपके टेस्ट कराए। क्यों कराए? क्योंकि फाइनली आपको टेस्ट देना है। आपने देखा है ना, मैच से पहले वार्म अप राउंड होता है, आपने खूब तो टेस्ट दिए। कुछ बच्चों का फोन था कि सर और टेस्ट करा दीजिए, कुछ बच्चों का फोन था सर पढ़ने दीजिए, अब हम करें क्या, हम कंफ्यूज्ड। तो प्यारे बच्चों, फाइनली आपको टेस्ट देना है, 2 से 5 के बीच में आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर टेस्ट नहीं है, 2 से 5 प्रैक्टिस करिए, कोई भी मॉक टेस्ट ले लीजिए। अब आप कहेंगे सर टाइम की बात है, तो लीजिए, हम आपकी प्रैक्टिस के लिए एक प्रपोजल दे रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 11 जुलाई को, आज यानी, आपका फुल लेंथ टेस्ट करा रहे ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं, आपको बुलाएंगे नहीं, अब आने जाने में टाइम बर्बाद होगा। जहां है, जिस हाल में है, जिस कमरे में, वहीं पढ़ रही है, और इसीलिए यूट्यूब की क्लास भी ले रहे हैं आपकी, ताकि घर से ही देख लीजिए। फिर 12 जुलाई को आपका एफएलटी का ऑफलाइन टेस्ट है, 13 जुलाई को फिर हमने एक टेस्ट रख दिया एफएलटी का ऑनलाइन, घर में बैठ के प्रैक्टिस करो। 14 जुलाई को एफएलटी ऑफलाइन टेस्ट है, अब बचता 15 और 16, कहोगे तो 16 को भी करा देंगे बाबू, परेशान मत हो, और कोई हवा नहीं है पेपर, किसी चीज को जितनी बड़ी बना लोगे उतनी बड़ी हो जाएगी वो, आराम से कूल होके जाओ यार, कि न्यूलाइट का एक टेस्ट देने जा रहे हैं। और हां, हम खूब पूछेंगे यूट्यूब पर, खूब बताओ, उस क्लास से पता क्या फायदा होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। ये नहीं होगा सर हाथ पर फूल रहे, जो याद था वो भी भूल गया, है ना, वही बात, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, ऐसा कुछ नहीं भाई, हम पूछेंगे तुम बताना, कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना बच्चों, कहना आसान है करना मुश्किल है, मुझे पता मुश्किल है, लेकिन हम उसको फॉलो तो कर सकते हैं। तो जितना शांत रहेंगे, जितना कूल रहेंगे, उतना पेपर अच्छा होगा। और हम तो ये भी कहेंगे, थोड़ा वॉक करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, पढ़ लिया है सब तुम्हारे इस दिमाग में है, क्वेश्चन देखोगे अपने आप आएगा, जैसे खाना खाते हो तो सलाइवा निकल आता है ना, क्वेश्चन देखोगे अपने आप याद आएगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग द वीडियो। भाई 40 साल से यही काम कर रहे हैं यार, कोई नई चीज नहीं है,
हर बार बच्चों की एंजाइटी होती है, हर बार समझाते हैं, सेलेक्ट होते हैं, अब तो सब बहुत बड़े बड़े डॉक्टर भी बन गए भैया, तो थैंक यू सो मच। तो प्यारे बच्चों भगवान से प्रे करेंगे 17 जुलाई का पेपर बहुत अच्छे से दीजिए और एक सफल डॉक्टर बनकर देश और समाज की सेवा करिए। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग द वीडियो, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट और अपनी जर्नी में लगे रहिए। थैंक यू सो मच।